नीचे में। अभी आपको कूद के दिखाएंगे, जमीन के अंदर सॉकअप लगा दिया गया है यहाँ, और आप कूदोगे तो जंप करेगा। हेलो दोस्तों, अभी रात के 4 यानी कि सुबह के 4 बज गए। हम लोग जा रहे हैं मैनपाट। अभी आज वहाँ का ब्लॉग शूट होगा और ब्लॉग में बहुत मज़ा आने वाला है। मैंने बहुत सुना है मैनपाट के बारे में, कुछ उल्टी सीधी बातें वहाँ हरकतें होती हैं। तो चलो देखता है क्या क्या होता है और आपको भी दिखाते हैं, फुल मज़ा आएगा। अभी हम लोग ये कटकोरा के आगे हैं, थोड़ा सा आगे यहाँ पर देखे कि दुकान वुकान खुल गया है, तो हम लोग भी थोड़ा चाय का पूछे मज़ा ले लें। और देख रहे हो आप भैया लोग आग वाग साफ रहे हैं, फुल यहाँ पर ठंडी का मौसम है दोस्तों, जैसे कि आप सब जान ही रहे हो सकते हो। अभी बजा है 6 और हम लोग पहुँच चुके हैं। जगह का नाम तो नहीं पता है, लेकिन 50-60 किलोमीटर तो लगभग आ ही गए होंगे। 100 किलोमीटर आ गए क्या? अच्छा, 100 किलोमीटर आ चुके हैं, अभी 100 किलोमीटर और जाना है समझो। पता नहीं कहाँ है, हालांकि चांद अच्छा है लेकिन नहीं आएगा। ठीक है चलो। अंबिकापुर से 50 किलोमीटर दूरी पर है। हाँ, ये आप देख सकते हो, ऐसा तो आपने कभी देखा नहीं होगा। सुबह सुबह उठने की हिम्मत जो नहीं होगी ठंडी में। ये गाइस आप देख रहे हो, सर मेरे यहाँ पर रीलबाजी कर रहे थे, उसके चक्कर में ये खेत में घुसना पड़ गया, जो कि खेत में पानी है। अब सुना दोस्तों, हम लोग थोड़ा सा कलाबाजी रास्ते में कर लिए हैं, रीलबाजी कर लिए हैं यहाँ पर, और अब आगे जाएंगे। झंडबाजी भी कर लिए हैं दोस्तों, रील बाजी के साथ साथ ये पता नहीं क्या क्या लगा लिए हैं रील बनाते बनाते। हालांकि यहाँ पर बढ़िया था, व्यू शानदार था, तो सोचे थोड़ा कलाबाजी कर लेते हम लोग भी। ये अभी हम लोग, क्या नाम है इसका पता नहीं दोस्तों, नाम जगह का नहीं पता है। देख रहे हो दोस्तों, दो ट्रक का माल अकेले लोड कर लिया दोस्तों। बीच में रुक के फिर से कलाबाजी कर लिए हम लोग, क्योंकि यहाँ पर बढ़िया था, ये आप भी देख सकते हो, शानदार व्यू था यहाँ का, धूप भी अच्छा खासा था एकदम, तो थोड़ा सा रुक गए हम लोग भी। तो हम लोग पहुँच चुके हैं सूरजपुर के आगे आ चुके हैं, थोड़ा ये लखनपुर से भी आगे आ गए हैं, बस पहुंच रहे हैं अंबिकापुर के आसपास हैं हम लोग। अभी यहाँ पर थोड़ा सा बेहतरीन जगह दिखा, तो सोचे कुछ रील्स वीडियो वीडियो बना लिया जाए, तो हम लोग यहाँ पर बाइक वाइक खड़ा करके आ गए हैं। अब यहाँ थोड़ा रील्स वील्स बनाएंगे, फिर निकलेंगे आगे के लिए। रील्स मास्टर जा रहे हैं, थोड़ा सा कुछ हो ही जाए, जगह अच्छा है इसीलिए थोड़ा रुक गया है। वो घर है ना एक, हम घर से आए थे, ये बना के लाए हैं, इसको क्या बोलते हैं गाइस भूल गया, ये चिप्स लाए हैं, इधर चना भी लेके आए हैं, और ये है चूड़ा। अभी इन सबको खाने के लिए रास्ते में, ये हम लोग का जुगाड़ खा पी के हम लोग यहाँ निकलेंगे। अब शानदार व्यू था, तो खाते खाते मज़ा लेने लगे हैं। अभी हम लोग निकलेंगे यहाँ से। तो हम लोग पहुंच गए हैं मैनपाट के कुछ ऊंचाइयों पे, लगभग है कुछ ऊंचाइयाँ यहाँ। अभी भी मेन जगह जो है वो 10-15 किलोमीटर ऊपर है, और चढ़ना है अपने को ये अपनी धन्नो, और हम लोग जाएंगे, ये मिल गए हैं चुन्नू मुन्नू ब्लॉगर, फिर से यहाँ मिल गए हैं। देखते हो यहाँ से अभी इधर इधर जाना है, और इधर इतना ये रोड है, इधर जाना है अपने को भी। दोस्तों हम लोग गाँव में आ गए, इधर का नज़ारा
पहुंच ही गए हैं, अभी 10 किलोमीटर और है आगे। पेड़ की तलाश में थे, आखिर वो मिल ही गए। अब यहाँ चलेगा सिनेमैटिक शूट। ये देख रहे हो ये दोस्तों, हम लोग मैन पार्ट पहुंच चुके हैं और यहाँ पर अब नाश्ता वास्ता कर लिए हैं। अब यहाँ से देखेंगे कि किधर किधर जाना है, क्योंकि बहुत सारा अलग अलग जगह है घूमने का जो भी है यहाँ। तो अभी हम लोग निकलने वाले हैं। ये आप देख सकते हो नाश्ता वास्ता हम लोग का हो चुका है। खुशी हो या ना हो, ये जो पानी बॉटल देख रहे हो आप, ये 10 रुपये में मिला है, इस बात की ज़रूर खुशी है। आओगे तो यहाँ पर एक आपको चौक मिलेगा, इस चौक पे आपको रुक के नाश्ता वगैरह कर लेना है। इसके बाद यहाँ से डिसाइड करिएगा कि कहाँ जाना है आपको। कैंपिंग का बात करके आ गए, अभी हम लोग निकल रहे हैं टाइगर पॉइंट के बाद जलजली, फिर देखते हैं उधर क्या क्या मिलता है, क्लियर बताएंगे आपको। मैंने नया चश्मा ले लिया है, कैसा लग रहा है? ठीक है, मेरे को अच्छा लग रहा है, आपको लगे या ना लगे क्या मतलब, वो तो अच्छा नहीं लगेगा दोस्तों, क्योंकि ये मेरी पसंद है ना। ठीक है, वैसे आपने पहना भी नहीं होगा ये चश्मा। तो आज छत्तीसगढ़ के शिमला में है, ये है दोस्तों टाइगर पॉइंट मैन पार्ट का। और आपको अगर ज़्यादा एडवेंचरस करना है, अगर वो वाटरफॉल के पास जाना है, तो आपको ये वीडियो फिर नीचे उतारना पड़ेगा। दोस्तों देख सकते हो, ये है दोस्तों टाइगर पॉइंट। बंदर से सावधान रहे। दोस्तों यहाँ बहुत सारे खाने का भी सुविधा आप लोग खा सकते हो। मुस्कुराइए आप मैन पार्ट में। तो हम लोग पहुँच गए हैं मेहता पॉइंट। अब चलो चलते हैं उधर मैन पॉइंट की तरफ, किधर है मेहता पॉइंट। अभी आप देख सकते हैं ये तो गेट है, इधर से आपको आना है भैया। भाई लोग, अगर आप लोग आते हो मेहता पॉइंट तो वहाँ पहले टिकट ले लेना 10 रुपये का, उसके बाद अंदर घुसने मिलेगा। और आपको अगर कैंपिंग करना है तो ये देखो यहाँ पर होता है कैंपिंग। देख सकते हैं दोस्तों, ले लिया मेरा। ये है दोस्तों मेहता पॉइंट, आप देख सकते हो जैसा उम्मीद था उस हिसाब से तो लग नहीं रहा है। अब आप लोगों को अच्छा लगे तो अच्छी बात है, खैर हम लोगों को तो नहीं लग रहा है जैसा सोचा गया था उस हिसाब से, कुछ भी नहीं है जैसा बताया गया था उस हिसाब से भी नहीं है। हालांकि ठीक है, जो भी है नई जगह है। हम लोगों को घूम लिए मेहता पॉइंट, यहाँ से मन भर गया है। अब आगे जा रहे हैं, देखते हैं क्या है, कहाँ जाना है। ये है मैन पार्ट, छत्तीसगढ़ का शिमला कहा जाता है। हालांकि बढ़िया है, जगह बढ़िया है, आप लोग भी आओ घूमो मज़ा करो। अब चलते हैं दूसरी जगह, देखते हैं, आपको बारी बारी वीडियो में बताया जाएगा कि कहां कहां आपको घूमना चाहिए, किस तरह से जाना चाहिए। ये सब चीज़ें जानने के लिए ब्लॉग में बने रहना है। आपको आगे चल के पूरा प्रोसेस बताऊँगा जब हम लोग का पूरा कम्प्लीट हो जाएगा उसके बाद। जगह मिली है यहाँ पर, अभी हम लोग रील्स वुल्स कुछ बना लेते हैं, क्योंकि जगह बेहतरीन है तो रील्स के लिए रेडी हो गए हैं मास्टर। तो हम लोग जा रहे हैं 5th पॉइंट, रास्ता तो पता नहीं है, बस इधर उधर पूछ के जा रहे हैं। अभी आधे रास्ते में आप देख सकते हो जो लाल लाल कलर के खेत हैं, एक्चुअल में वहाँ टाऊ नाम की एक फसल है जो यहाँ बहुत बोया जाता है, जैसे अपने इधर धान या गेहूँ कह सकते हैं, इधर टाऊ बोया जाता है।
आप देख सकते हैं जहाँ जहाँ लाल दिख रहा है पूरा टाउ बोया हुआ है, यहाँ तो कुछ ऐसा दिखा नहीं हम लोगों को। कहते हैं झरना है, कोई झरना नहीं दिख। हेलो दोस्तों, हम लोग पहुँच गए हैं फिफ्थ पॉइंट पे। ये मेन पार्ट का एक और हिस्सा है जहाँ अपन घूम सकते हैं, जो बाहरी लोग आते हैं पिकनिक भी आप आ सकते हो आस पास के हो तो, बाकी तो आप घूमने के लिए ठीक है। झरना है छोटा सा, बाकी ज़्यादा कुछ है नहीं यहाँ। ये आप देख सकते हैं यही झरना है यहाँ पर, झील टाइप का है। नन्हे मुन्ने बच्चे मिल गए, ये दोस्तों लोग जा रहे हैं जलपरी, यही है रास्ता जलपरी का। दोस्तों हम लोग पहुंच गए हैं जलपरी, पहुंचने वाले हैं, अभी पहुंचे नहीं हैं, गाड़ी को वहीं पर छोड़ना पड़ेगा क्योंकि इधर रोड जो है ना वो थोड़ा सा डेंजरस है, काई वाई लग गया है तो फिसल रही है, इसलिए वहीं छोड़ के आ गए हैं। लगभग पहुंच ही गए हैं जलपरी, लोग तो यहाँ से लगता है कार भी लेके गए, लेकिन ये समझ नहीं आ रहा है। हाँ दोस्तों, ये हम पहुंच चुके हैं जलपरी, देख सकते हो इतना संघर्ष के बाद क्या क्या मिल रहा है यहाँ। खोदा पहाड़ निकला चूहिया, वही वाला हाल। जलपरी है ये, जलपरी। अगर आप मैन पार्ट आ रहे हैं तो जलपरी भी जरूर घूमें, बढ़िया है भाई जलपरी भी। ये है दोस्तों जलपरी, यहाँ आप पिकनिक स्पॉट की तरह भी आ सकते हैं। हो गया दोस्तों, जलपरी का दर्शन कर लिया हम लोग, अब वापस जा रहे हैं जलपरा के पास। खड़ा है उधर इंतजार कर रहा है, हमको निकलना है पटपरिया जिसे बोलते हैं सनसेट पॉइंट, अब हम लोग वहाँ जाएंगे। अब यहाँ देख लिए हैं, बहुत अच्छा था ये। अगर आप मैन पार्ट आते हैं तो यहाँ दर्शन करने ज़रूर आएँ, बहुत अच्छी जगह है, आपने तो देख ही लिया होगा, हालांकि बेहतरीन जगह है, आप भी आएँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट सनसेट पॉइंट। तो दोस्तों हम लोग पहुँच चुके हैं सनसेट पॉइंट, परपटिया जिसे बोलते हैं, जाएगा ना शायद, मुस्कुराइए आप मैन पार्ट में, ठीक है मुस्कुरा लिए। ये देखिए सनसेट पॉइंट, ये दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं परपटिया, इसे सनसेट पॉइंट कहा जाता है मैन पार्ट का। तो आप भी ज़रूर आएँ इधर एक बार, बहुत ही अच्छा जगह बोला जाता है। अब देखते हैं क्या अच्छा यहाँ से है नज़ारा, खैर होगा कुछ बेहतर। ये है दोस्तों परपटिया द सनसेट पॉइंट, ये आप नीचे का देख सकते हैं,